नमस्कार। NIOS के योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं अपने सभी शिक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह प्रसन्नता का विषय है कि आप योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन करा चुके हैं और एक ठीक तरह से उस पाठ्यक्रम को आप 1x1 यूनिट के हिसाब से आप स्टडी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की 5वीं यूनिट यौगिक आहार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। योग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सभी लोग योग के प्रति बहुत सजग हैं। हम जब योग की बात करते हैं तो हम यौगिक आहार की भी बात करते हैं। आहार सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और हमें निरोग भी रखता है। आहार की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में है। योग के साथ साथ हम किस तरह का आहार लें, किस तरह का आहार हो, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। डॉक्टर निधि गर्ग हमें इस आहार के विषय में कि यौगिक आहार किस तरह का होना चाहिए और कैसे उस पर हम अमल करें, इस पर डॉक्टर निधि गर्ग हमको बताएंगी। जैसा कि सर ने अभी यौगिक आहार के बारे में बताया है कि आहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो आइए हम आहार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आहार क्या है, किसे कहते हैं आहार। सबसे पहले है आहार, कि आहार किसे कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन, शर्करा, वसा, जल आदि से बने हों और जीव जगत द्वारा ग्रहण किए जा सकें, उसे भोजन या आहार कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो ग्रहण किए जा सकें और जिन पर पाचक रस अपना कार्य कर सकें और वे अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाए जा सकें, उन्हें हम आहार कहते हैं। आहार हमारे जीवन का मूलाधार है। वायु और जल के पश्चात आहार ही सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने तथा जीवन की सभी क्रियाएँ सुचारू रूप से चलाने के लिए आहार अनिवार्य है। उचित आहार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित और नियंत्रित करता है। वर्ण, प्रसन्नता, जीवन, प्रतिभा, सुख, संतोष, शरीर की पुष्टि, बल, मेधा आदि सभी भोजन से ही प्रतिष्ठित हैं। हमारे शरीर के जितने भी कार्य होते हैं, ये सब आहार के द्वारा ही संभव हैं। मन पर नियंत्रण करने के लिए आहार और योग दोनों को साधना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं आहार के कार्य क्या हैं। जो हम आहार ले रहे हैं वह शरीर में जाके कैसे कार्य करता है, हमारे मानसिक और सामाजिक तौर पर कैसे कार्य कर रहा है। आहार या भोजन के हमारे तीन मुख्य उद्देश्य एवं कार्य हैं। पहला है शारीरिक कार्य, जिसे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कह सकते हैं, कि यह शरीर के प्रत्येक अंग को क्रिया करने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे जितने भी कार्य शरीर में किए जाते हैं, जैसे हमारे श्वास क्रिया ले रहे हैं, रक्त संचार शरीर में हो रहा है, इन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी आहार के द्वारा ही होता है। दैनिक क्रियाओं के दौरान कोशिकाओं की टूट फूट के बाद मरम्मत करना और नई कोशिकाओं का निर्माण करना भी भोजन का शारीरिक कार्य है। हम देखते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपन में उसका भार कम होता है, 2 या 3 किलो होता है, जब वो व्यस्क होता है तो बढ़ जाता है, 50 से 70 किलो तक हो जाता है। यह सब आहार के द्वारा ही संभव है। शरीर में टूट फूट निरंतर चलती रहती है, उस टूट फूट को मरम्मत करने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है शरीर को रोगों से रक्षा करने की शक्ति प्रदान करना। आहार ही है जो हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है या रोगग्रस्त कर सकता है। यदि हम सही आहार लेंगे तो वही हमें शारीरिक शक्ति देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा है मानसिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन। अक्सर हमने देखा है कि भोजन ग्रहण करने से एक संतोष का अनुभव होता है, हमें एक सुरक्षा की भावना मिलती है, हमें अच्छा लगता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो यही मानसिक कार्य है कि भोजन ग्रहण करने से एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि और सुरक्षा का भाव अनुभव होता है। जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो आनंदित महसूस करते हैं, और कहा भी गया कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इसलिए आहार का दूसरा कार्य मानसिक कार्य भी है, कि वह चिंतन करने की शक्ति भी हमें देता है।
तीसरा है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। भोजन के माध्यम से हम अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, जैसे जन्म के समय, जन्मदिन हो किसी का, शादी हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या तीज त्यौहार होता है, तब उस अवसर पर हम भोजन बांटते हैं, खिलाते हैं तथा मिठाई भी बांटते हैं। ये आपस में मिलने जुलने का कार्य भी करता है और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भावना भी सिखाता है। आइए अब जानते हैं कि भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए या कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनसे आहार का निर्माण होता है। आहार निश्चित मात्रा में उपस्थित खाद्य पदार्थों का समूह है। हमारे भोजन में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व भोजन में उपलब्ध वे अदृश्य रसायन हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए परम आवश्यक हैं। भोजन में जल, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, रेशा जिसे हम फाइबर बोलते हैं, वसा, स्नेह, ऑयल मीडियम जो है, तथा विटामिन, ये सात पोषक तत्व होने आवश्यक हैं। सबसे पहला है जल। हमारा शरीर भी 70% जल से बना हुआ है, तो जल सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका कार्य है शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में पोषक तत्वों को ले जाने में सहायता देना। दूसरा है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों, मांसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। शरीर में जितनी भी टूट फूट या मरम्मत का कार्य होता है वह सब प्रोटीन से ही होता है। इसके मुख्य स्रोत आप दालें तथा दूध, पनीर आदि हैं। तीसरा खनिज पदार्थ, जिन्हें हम मिनरल्स भी बोलते हैं, ये बहुत कम मात्रा में हमें शरीर में चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो कि हमें हरे साग सब्जियाँ या फलों से प्राप्त होते हैं। इनका कार्य होता है शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से संचालित करना। चौथा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज के माध्यम से प्राप्त होता है और इसका मुख्य कार्य ऊर्जा देना है। यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पांचवा है रेशा या फाइबर जिसे हम बोलते हैं, ये भी हरे साग सब्जियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है और इनका मुख्य कार्य मल निष्कासन में सहायता देना है। अगर रेशा हमारे आहार में नहीं होगा तो कब्ज जैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। छठा है वसा या स्नेह जिसे हम बोलते हैं, यह भी ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा ही ऊर्जा का स्रोत शरीर में होता है तथा वसा में घुलनशील विटामिनों की पूर्ति भी वसा के द्वारा ही होती है। इसका माध्यम हमारे पास घी, तेल, मक्खन आदि होता है। सातवां है विटामिन। शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और पोषक पदार्थों के उपयोग में सहायता देने का विटामिन्स का कार्य है। ये भी बहुत कम मात्रा में हमें शरीर में चाहिए होते हैं, जो कि हमें आहार के माध्यम से ही मिलते हैं। विटामिन्स शरीर में नहीं निर्मित होते हैं, तो ये हमें आपको बाहर से ही शरीर को देने पड़ते हैं। भोजन के पोषक तत्व के बारे में जैसा कि आप सुन रहे हैं, सात पोषक तत्व विशेष रूप से जो सभी जानते हैं आप लोग, वो आपको अभी बताए। ये पोषक तत्व हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, रेशे, तो इन सब की हमारे दैनिक जीवन में जितनी आवश्यकता है, ये भोजन में होने बहुत आवश्यक हैं। यदि हमारे भोजन में नहीं होते, हमारे आहार में सम्मिलित नहीं होते, तो आहार को हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। उसको फिर हम कंप्लीट आहार या संतुलित आहार की बात करते हैं हम, जैसा कि साइंस में, तो संतुलित आहार उसको नहीं माना जाता। जब हम यौगिक आहार की बात करते हैं तो यौगिक आहार में क्या है और किस तरह से यौगिक आहार की बात की है, हमारे जो ऋषि मुनि, साधु संन्यासी और प्राचीन काल से ही यौगिक आहार पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, तो वो यौगिक आहार क्या है, इसके विषय में हम डॉक्टर निधि जी के साथ हम बात करते हैं यौगिक आहार पर। अब जैसा सर ने कहा, यौगिक आहार हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है यौगिक आहार के बारे में, तो हम उसी के बारे में अब चर्चा करते हैं। यौगिक आहार, देखिए, मानव जीवन में शुद्ध अन्न सेवन का बड़ा ही महत्व है। निरोगी और स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध व प्राकृतिक आहार की ज़रूरत है। यदि आहार शुद्ध नहीं होगा तो शरीर का पोषण नहीं होगा। तो यौगिक आहार हम किसे कह सकते हैं? ऐसा आहार जो शरीर को पूर्णतः पोषण प्रदान करते हुए आनंद व शक्ति प्रदान करे, मन को शुद्ध रखे और आध्यात्मिक शांति प्रदान करे, उसे ही हम यौगिक आहार कहेंगे। अर्थात प्रकृति के पास से हो,
उस पर हिंसा ना की गई हो, ऐसा आहार जो शुद्ध हो, सात्विक हो, उसे ही हम यौगिक आहार कहेंगे। शरीर के पोषण हेतु आहार को संतुलित, उचित मात्रा और पोषण तत्वों से युक्त होना चाहिए। यदि आहार संतुलित नहीं होगा, किसी भी तत्व की कम न्यूनता या अधिकता होगी या उचित मात्रा में नहीं होगा, कोई चीज़ बहुत अधिक है, कोई चीज़ बहुत कम है या पोषण तत्व नहीं है उसमें, तो वह आहार हमारे शरीर का पोषण नहीं करेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अन्न से शरीर, मन और प्रज्ञा अर्थात बुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए अन्न शुद्धि और आहार शुद्धि आवश्यक मानी गई है। अगर अन्न शुद्ध नहीं होगा तो अन्न से बनने वाला शरीर, मन और बुद्धि वह भी शुद्ध नहीं होगी। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारे यहाँ कहावत भी है या सब बड़े लोग बोलते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जिसे हम संस्कृत में याद दशम भक्ष्यते अन्नम बुद्धि भवति तादृशी, अर्थात जिस तरह का अन्न का हम भक्षण करेंगे हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। अतः अन्न का शुद्ध होना, सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम योग साधना की बात करते हैं तो योग साधना हम मन को साधने के लिए कर रहे हैं। मन कैसे साधित होगा? जब हमारा अन्न शुद्ध होगा। जब अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कहा गया है कि खाया हुआ अन्न तीन प्रकार की गति को प्राप्त होता है। उसका अत्यंत स्थूल भाग मल बनता है, मध्यम भाग से मांस बनता है और अत्यंत सूक्ष्म भाग से मन बनता है। इस तरह अन्न के संस्कारों एवं प्रकृति का मन से सीधा रिश्ता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना विप्र मोक्षः। छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है ये। इसका अर्थ है कि आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है व चित्त शुद्धि से स्मृति लाभ होता है और स्मृति से सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आहार सीधे सीधे हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। यदि आहार हमारा शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो हम इस संसार में भटकते रहेंगे, हमें तनाव रहेगा या हमें स्मृति बंधन में बंधे रहेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आहार, जब तक हम शुद्ध आहार का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, जो कि एक योगी के लिए सबसे बड़ा कार्य है। योग साधना में, जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं कि योग साधना में विभिन्न प्रकार के साधना उपक्रमों के साथ साथ आहार को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मिक प्रगति भली भांति होती रहे इसके लिए साधना का ही नहीं वरन आहार का भी सही और सात्विक चयन आवश्यक है। इसलिए हमने यौगिक आहार को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। आइए अब जानते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार क्या हैं। सात्विक आहार, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि जो आहार या वह आहार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो, सात्विक आहार कहलाता है। ऐसा भोजन सदैव ताज़ा होता है, पका हुआ, रसीला, शीघ्र पचने वाला, चिकना तथा स्वादिष्ट होता है। ऐसा भोजन व्यक्ति को संतुलित स्वस्थ शरीर, शांति, सामंजस्यपूर्ण तालमेल की कुशलता और बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है, सात्विक आहार मन की शुद्धि करता है, अंतःकरण की शुद्धि करता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से हम सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं ताज़े फल, सब्जियां, दूध, गेहूं, अंकुरित अन्न आदि। आइए अब जानते हैं राजसिक आहार। राजसिक आहार क्या है? वह आहार जो रजगुण अर्थात जिसमें अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण या तीक्ष्णता हो, तीक्ष्ण प्रधान हो, वह राजसिक आहार कहलाता है। ऐसा आहार इंद्रियों को उत्तेजना प्रदान करता है। इसके प्रयोग से भोग की प्रवृत्ति, कामुकता, लालच, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। यह हमारे शरीर में आक्रामकता को बढ़ाता है, इसलिए योगी के लिए राजसिक आहार का सेवन उचित नहीं है। इसके उदाहरण हैं अधिक खट्टे, तेज मिर्च मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी आदि। अब जानते हैं तामसिक आहार क्या है।
वह आहार जो तमोगुण प्रधान अर्थात बासी है, रसहीन है, दुर्गंधित है, झूठा है या अपवित्र है, उसे तामसिक आहार कहते हैं। या वह भोजन जिसे बार बार गर्म किया गया है, वह भी तामसिक आहार की श्रेणी में ही आएगा। इसके सेवन से शरीर कमज़ोर होता है, असुरक्षा की भावना आती है, वासना और भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि तामसिक आहार शरीर में पोषण नहीं दे रहा है। इसलिए सामान्यतः कैंसर, हृदरोग, मधुमेह, गठिया, लगातार थकान आदि समस्याओं को उत्पन्न करता है। आजकल सबसे ज़्यादा तामसिक आहार का ही सेवन हो रहा है, क्योंकि सभी लोग स्वादिष्ट खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेज मिर्च मसाले यूज़ कर रहे हैं या एडिशनल चीज़ें उसमें डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर अच्छा आए, लेकिन ये सब तामसिक आहार को बढ़ावा देते हैं, तामसिक गुणों को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर में, या हम देखते हैं कि आजकल लोग, ज़्यादातर लोग हृदरोग से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, मोटापे से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, इसे मांस, मदिरा, तंबाकू, मैदा से बने पदार्थ, तले हुए, अधिक मिर्च मसालेदार व्यंजन या जितने भी डिब्बा बंद व्यंजन हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सभी तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं। आपने यौगिक आहार के विषय में सुना, बहुत ही सरलता से, बड़े ही आनंदपूर्वक ढंग से डॉक्टर निधि जी ने आपको बताया कि यौगिक आहार हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये एक अलग बात है कि हम यौगिक आहार ले रहे हैं या कोई दूसरा आहार ले रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यौगिक आहार है क्या। ऐसा आहार जो शरीर का पोषण करते हुए, आनंद शक्ति प्रदान करते हुए, हमारा शक्ति का वर्धन करता है, आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और कोई आलस नहीं आता, किसी तरह का कोई अन्य भाव नहीं जागता। क्योंकि अभी यही बात चल रही थी कि जुगर आपका जो अन्न है वो किस तरह का अन्न है, शुद्ध है, वो वास्तव में जिस भाव से आपका भोजन आपके सामने आया है वो किस भाव का है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बेसिकली योग में खास तौर से मन का शरीर से जैसे कि सीधा संबंध होता है और मन और शरीर का सामंजस्य करने के पश्चात हम आत्मा के सामंजस्य की बात करते हैं, और शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य जब हो जाता है तो हम योगमय हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे भाव हो जाते हैं, और जब कोई अतिथि आता है उसका हम सादर सत्कार सम्मान करते हैं, और उसको उसके सत्कार में जब हम कुछ खान पान के लिए पेश करते हैं, किस भाव से हम पेश करते हैं, प्रसन्न मुद्रा में पेश करते हैं, आनंदित होकर के पेश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आहार में जो भाव मिला है वो बहुत ही अच्छा भाव है और वो निश्चित रूप से अतिथि को यानी खाने वाले को बहुत ही लाभदायक होगा। और यदि उसमें हम थोड़ा सा क्रोध मिला दें, थोड़ा सा गुस्से में आए, हम सोचें मन में कि कहाँ से ये अतिथि जी आ गए, इनकी आने की समय ज़रूरत ही क्या थी, तो ये भाव जो आया, ये भाव देखिए, हमारे घर में जो खाना बनता है, जो माँ अपने बच्चों के लिए जिस प्रेम से खाना बनाती है, जिस भाव से खाना बनाती है, वो ही भाव उस खाने के अंदर निहित होता है, उस भोजन के अंदर निहित होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब वो भाव होटल से या डिब्बाबंद खानों से कहाँ से आएगा, इसीलिए यौगिक आहार को तीन भागों में विभाजित किया गया। जो योगी लोग हैं वो सात्विक आहार करते हैं, जैसा कि बताया, सात्विक आहार में जो गुण हैं वो ताज़ा, रसेदार और ख़ासतौर से फल, कंदमूल और शुद्ध खाना, वो हमारा इसका है। लेकिन जब राजसी भाव की बात करते हैं, जो कि राजसिक आहार के अंतर्गत आता है, भाव भी वैसे ही हो जाते हैं खाना खाने के पश्चात, तो राजसी जब हम खाना खाते हैं, बहुत तेज नमक, मिर्च मसाले, लहसुन, प्याज, तो वैसे ही हमारे शरीर की पुष्टि होती है,
और वैसे ही भाव बनते चले जाते हैं। इसके विपरीत अब चले जाएं, जो गरिष्ठ खाना है, बासी खाना है, फ्रिज में रखे हुए 7 दिन का खाना हम खा रहे हैं, 6 दिन का खाना हम खा रहे हैं, डिब्बाबंद खाना हम खा रहे हैं, तो ये सब खाना जो है ये हमारे लिए एक तो पूरी तरह से पौष्टिक भी नहीं है, फिर सुपाच्य भी नहीं है। जब सुपाच्य नहीं है तो शरीर के अंदर किस तरह की ग्रोथ करेगा और क्या ये पैदा करेगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि आजकल जो लोगों को परेशानी हो रही है अपच की या इस तरह के जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये ही इस तरह का भोजन लेना ही है। तो हम डॉक्टर निधि जी से जानते हैं कि किस प्रकार का जो भोजन है उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए और किस तरह का ये जो यौगिक आहार है उस मात्रा के साथ साथ हम लोगों को लेना चाहिए। डॉक्टर निधि जी आपको बताएंगे कि आहार की विधि, उसकी मात्रा और लाभ, विधि विधान किस तरह का है इसके बारे में आप बताएंगे। जैसा कि सर ने अभी यौगिक आहार के बारे में, उसके विभाजन के बारे में संक्षिप्त में इतने अच्छे से हमें बता दिया है, और सर जैसे बोले आहार की मात्रा और उसके लाभ क्या हैं ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जब तक भोजन उचित मात्रा में नहीं लिया जाएगा वह पोषण नहीं करेगा, तो इसलिए आहार का मात्रा युक्त होना बहुत आवश्यक है। तो किसी व्यक्ति के लिए आहार की क्या मात्रा होनी चाहिए वह हम देख लेते हैं कि आहार की जो मात्रा व्यक्ति को बाधा ना पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, अर्थात कि जो भी उसने आहार लिया है, कम लिया है या ज़्यादा लिया है, उसको खाने के बाद उसे पेट दर्द नहीं हो रहा है, अपच नहीं हो रहा है या खट्टी डकारे जलन इत्यादि नहीं हो रहा है। सबसे बढ़िया था यथा समय पच रहा है कि जितना टाइम आहार को पचने के लिए चाहिए उस समय में वह पच रहा है, अधिक टाइम नहीं ले रहा है, उसका शरीर भारी नहीं हो रहा है या उधर वो भारी महसूस नहीं कर रहा है, वही उसके लिए उसकी प्रमाणित मात्रा है। हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति कम खा रहा है या अधिक खा रहा है, अगर वह उसके शरीर को कष्ट पहुँचाए बिना यथा समय पच रहा है और उसके शरीर का पोषण कर रहा है वही उसके लिए उसकी प्रमाणित मात्रा है। यदि अत्यधिक मात्रा में सात्विक आहार भी लिया जाएगा तो वह आलस, निद्रा और तंद्रा को ही उत्पन्न करेगा। तो ये मत समझिएगा कि आहार को हमने अधिक ले, सात्विक आहार है तो हम उसको बहुत अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यदि हमने अभी देखा सात्विक आहार भी हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, वह हमें यथा समय नहीं पच रहा है तो वह भी हमारा तामसिक आहार की तरह ही कार्य करेगा। इसलिए आहार का मात्रा में रहना, मात्रा में लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए घेरण संहिता में बताया गया है कि मात्रा का हमें कैसे देखना है, कि हम देखें मात्रा किसी मनुष्य के लिए क्या है। अन्नेन पूरेद अर्ध तोयेन च तृतीयकम उदर चतुर्थास संरक्षित वायुचारणे, अर्थात उदर का 50% भाग अन्न से, 25% भाग द्रव से तथा 25% वायु संचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर हम अपने उदर के 3 भाग कर लें या हम बोले कि 4 भाग कर लें, उसमें से 2 भाग आपको अन्न खाना है, 1 भाग आपको द्रव लेना है, द्रव में आपका छाछ हो सकता है या रेशे वाली सब्जी हो सकती है, और 25% वायु संचरण के लिए, अर्थात आपको जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाना है, ये आपका मात्रा है और ये आपको ध्यान रखना है। मात्रायुक्त भोजन ही मनुष्य की प्रकृति को बाधा ना पहुंचाते हुए बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु से युक्त करता है। अगर आप मात्रा उचित मात्रा में भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो ये कुपोषण का या आपको मोटापे का शिकार बना सकता है, इसलिए आहार का मात्रावत होना अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं अब आहार की विधि विधान क्या है, अर्थात हमें किन बातों का, किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए आहार करते हुए। सबसे पहला है कि मित आहार लेना चाहिए, अर्थात जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही भोजन हमें करना चाहिए, अर्थात हमें ठूस ठूस कर या भर पेट के खाना नहीं खाना चाहिए। जैसा अभी हमने पीछे देखा है कि बताया गया है कि कुछ स्थान हमें वायु संचरण के लिए भी छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा शरीर, हमारा उदर दबाव महसूस ना करे, पीड़ा महसूस ना करे, शरीर में आलस उत्पन्न ना करे। भोजन हमेशा स्निग्ध व उष्ण ही करना चाहिए। भोजन
पहला जब भोजन पच जाए उसके उपरांत ही भोजन करना चाहिए, अर्थात जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है तो हम अब कुछ खा लेते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में हम कुछ भी खा लें कि कुछ भी हमारे सामने खाना आया, हमें अच्छा लग रहा है, मन ललचाया, अभी हमने पहले चाय पी थी, फिर बिस्कुट नमकीन कुछ आ गए या कुछ और हम खाना आ गया, जो हम मिठाई आ गई तो हमने उसको खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें भूख लगे, जब हमार को इच्छा महसूस हो तभी हमें खाना खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। अपने मन अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्रियों के सहित ही भोजन करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे भोजन कर रहे हैं जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, यहाँ जहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है, तो वह खाना भी आपके शरीर को पोषण नहीं देगा, शरीर में नहीं लगेगा। ना अधिक जल्दी, ना अधिक देर से, ना बोलते हुए, ना हंसते हुए भोजन करना चाहिए, अर्थात हमें शांत मन से आहार द्रव्य में चित्त लगाकर भोजन करना चाहिए। आजकल क्या है, सब लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, या हम को बातें करते हुए हंसते हुए खाना खाते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये सब खाने हम खा तो रहे हैं लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता है, क्योंकि हम अभी हमने जैसे बात करी कि जैसा आहार हमें मिलेगा हमारा भाव वैसे हो जाएंगे। जब हम टीवी देखते हुए, बात करते हुए, हंसते हुए खाना खाते हैं तो जो उस समय के भाव हमारे मन में आते हैं वही भाव हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। भोजन को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। दांतों का काम आंतों को नहीं करना चाहिए, इसलिए भोजन को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं। कच्ची सब्जियां और कच्चे फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनका पाचन प्रक्रिया अलग अलग होती है। यदि आप इनको एक साथ लेंगे, पके हुए खाने के साथ इनको आप खाएंगे, तो पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। भोजन को सुखासन में बैठकर खाना सबसे अच्छा होता है, कि आप ज़मीन पर बैठकर जब भोजन करते हैं तब आपका उदर जो है सीधा रहता है और आप आवश्यकता से अधिक खाना नहीं खा पाते हैं। भोजन के पश्चात 5 या 10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, ताकि भोजन शीघ्र पच जाए और कोई आपको विकार उत्पन्न ना करे। भोजन से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप भोजन खाना भोजन करने के बाद तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह विष के समान होता है। ये खाना ये जो है आपके शरीर को पोषण नहीं देता है, शरीर में आहार रस जो आपका अच्छा आहार रस होता है उसको उत्पन्न नहीं करता है, ये आम में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि मोटापा या अन्य रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप वगैरह बढ़ाता है। भोजन करने के बाद कभी भी गुरु आहार जैसे मिठाई, तला हुआ व्यंजन, चावल आदि नहीं खाना चाहिए। ये सारे गरिष्ठ आहार जो हैं, गुरु आहार, मिठाई वगैरह आपको खाना खाने से पहले ले लेना चाहिए, और भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सबसे ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या सबसे ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो ये सारे आपके पाचन व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, पाचन तंत्र को कमज़ोर करते हैं। अंत में यही कहूँगी कि अच्छे पाचन, पोषण और निष्कासन के लिए आवश्यक है कि भोजन को नियत समय पर करें, अच्छे स्थान पर करें, शांत चित्त से करें, और भोजन में मन लगाते हुए आहार को किया जाए। देखिए, आहार की उपयोगिता बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए, और जब हम योग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा जितना कि पड़ना चाहिए। क्या कभी इस बात पर विचार उन्होंने किया है कि वो जो रोजाना भोजन कर रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, वो किस तरह का है? क्या कहीं वो राजसिक आहार है या फिर तामसिक आहार तो नहीं, जैसा कि डिब्बा बंद खाना ही लोग रोजाना खा रहे हैं, या जब भी मौका मिल रहा है तभी होटल का खाना खा रहे हैं। होटल का खाना खाना बुराई नहीं है, लेकिन वो खाना इतना सुपाच्य नहीं होता। उस खाने में जिस तरह की चीज़ें तेज मिर्च मसाले पड़ते हैं वो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होते। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खाना कैसा हो, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान रखने की हैं। यदि आप योग करते हैं तो आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, और सामान्य जन यदि ध्यान रखते हैं इस बात का
तो उनके लिए और महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि चार भाग आप अपने जो आपको खाना खाना है भूख के कर लीजिए, दो भाग में आप खाना खा लीजिए, दो भाग खाली रखिए, एक घंटे के बाद जो उसका एक भाग है वो पानी से भर लीजिए। अब आपका 75% जो है वो भाग भर चुका। अब जो बचा 25% उसको खाली रखिए। यही भोजन के नियम है, यही विधि विधान है जो भी बताया गया। 50% में आपका खाना, 25% में आपका जल और 25% खाली रहना चाहिए। लोग करते क्या है, मुझे लगता है 25% और ऊपर बढ़ा देते हैं, 125% पर चले जाते हैं, फिर अपच हो जाती है और तमाम डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। यदि आप योग में हैं तो निश्चित रूप से इसका पालन जरूर कीजिए। जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जब भी आप अपना भोजन लें तो आप निश्चित रूप से उस समय सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके भोजन पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, खासतौर से टीवी देखते हुए खाना बिल्कुल ना खाएं, और अपना एक नियत समय पर, जो एक निश्चित समय में आप खाना खा सकते हैं, उस समय में आप अपना खाना पूर्ण कीजिए और तत्पश्चात धन्यवाद कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आहार के लिए। योग से संबंधित जो भी लोग हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें जो विधि विधान बताया है। मैं आज की इस यूनिट में, जो हमारी यौगिक आहार पर ये चर्चा हुई है इस यूनिट के अंतर्गत, डॉक्टर निधि जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो आपके समक्ष इस यूनिट के जो यौगिक आहार की बात उन्होंने की है हमारे साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्होंने दी। साथ ही इस यूनिट की विशेष जो जानकारी है आप हमारे कोर्स मटेरियल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस यूनिट पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर निधि जी ने दी। मैं उन डॉक्टर निधि जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यौगिक आहार पर एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबको दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।